जो अपने भाई से बैर करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग दुख भोग काल या चालीसा काल में हैं और इस पहले सप्ताह में हमने कई सारे मन में प्रण किए हैं और उन पर अब तक कायम है, और ऐसे ही हमें कायम रहना ज़रूरी है, क्योंकि चालीसा काल एक ऐसा काल है जहां हमें ईश्वर का बहुत करीबी अनुभव हो सकता है, क्योंकि इस काल में हम अपने आप को पश्चाताप द्वारा, त्याग और तपस्या द्वारा तैयार करते हैं कि हम हमारे जीवन या हमारे शरीर पर नियंत्रण कर प्रभु के और करीब पहुँचे, क्योंकि संसार में रहते समय शरीर की जो वासनाएं हैं, अगर हम उसको संतुष्ट करते रहते हैं तो हम ईश्वर से काफ़ी दूर हो जाते हैं, और यह काल जब हम त्याग और तपस्या करते हैं तो इसके ज़रिए हम ईश्वर से और करीब से मिल सकते हैं। तो ऐसा ही एक सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु क्रिस्त हमें शब्दों के बारे में बताते हैं। शब्द हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों द्वारा हम लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन अगर अपशब्दों का उपयोग किया जाए तो क्या ये संबंध बने रहेंगे? क्या अगर शब्दों से हमारे हर समय क्रोध और किसी के प्रति घृणा, बैर, बुराई, ऐसी बातें निकले तो क्या हमारे संबंध बने रहेंगे? इसी के विषय में प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में हमें सिखलाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो अपने भाई से क्रोध करता है वह भी कचहरी का हकदार है, उसके साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि उसने गलत किया है। तो प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार हम भोजन या अन्य चीज़ों का परित्याग करके अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही अपने शब्दों में भी नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने कई सारे बार सुंदर शब्दों को सुने होंगे, और जब हम शब्दों को सुनते हैं तो वह हमारे जीवन में घर कर जाते हैं। एक कहावत ऐसी कही जाती है कि शब्दों से किसी का जीवन बन भी सकता है और किसी का जीवन बिखेरा भी जा सकता है, बर्बाद भी किया जा सकता है, इसलिए शब्दों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक और वाक्य में ऐसा कहा गया है कि हमारी जो जीभ है, जिससे हम उच्चारण करते हैं या शब्द हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन वो इतनी मजबूत ज़रूर है कि दिल तोड़ सकती है, हृदय तोड़ सकती है, इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दो, ऐसा इस वाक्य में बताया गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, शब्दों से न जाने हम कई सारे बार कितने लोगों को शायद दुख देते होंगे, और कई सारे बार हमें इसका ज्ञात भी नहीं होता कि हम जो शब्द उच्चारित करते हैं, क्या उन शब्दों द्वारा किसी को हमने ठेस या चोट पहुंचाई है। इसलिए संत याकूब भी अपने पत्र अध्याय 3 में हमें इस जीभ के बारे में बताते हैं। मैं बाइबल से ये वाक्य पढ़ना चाहूँगा। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 और आगे में हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा संग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी वही एक आग है जो हमारे अंगों के बीच रह हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमसे कहते हैं कि हमारे शब्दों पर ध्यान करें, और यह काल जो है हमें इसी बात को बड़ी गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। उपवास करना, परहेज करना कई हद तक आसान होता है, अगर हम एक दिन, दो दिन, तीन दिन शरीर को भोजन ना दे तो चौथे दिन शरीर अपने आप ही भोजन हमसे नहीं मांगेगा। कई सारे लोग इन 40 दिनों में अपनी बुरी बुरी आदतों को छोड़ते हैं, जैसे कोई शराब पीना छोड़ देता है,
कोई किसी पसंदीदा चीज़ को करना छोड़ देता है, कोई टीवी देखता है तो उसे छोड़ देता है, कोई ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है उसे छोड़ देता है। और ये प्रण करते हैं और ये कर सकते हैं और कर देते हैं, 40 दिनों तक इनका उपयोग नहीं करते, लेकिन जैसे ही 40 दिन पूर्ण होते फिर एक बार वही जीवन। प्रभु यीशु हमें इसी बात का संकेत करते हैं, जो परिवर्तन जो बदलाव हम हमारे जीवन में इन 40 दिनों में ला पाते हैं उसी बदलाव को बरकरार रखना है। इसलिए हमारे संत पिता फ्रांसिस भी कहते हैं कि ये जो उपवास है, परहेज है, ये हमारे इस काल में ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बातें यह है कि हम बुरे शब्दों से, अपशब्दों से या बुरे आचरण से परित्याग करें। अगर हम आचरण में सुधार ला पाएंगे तो उससे बड़ा महान चालीसा काल हमारे ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि इस चालीसे काल में अगर हम अपने जीवन में 1% भी, 1% भी परिवर्तन ला सके तो कुछ हमने हमारे जीवन में हासिल कर लिया है। और जब हम प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाएंगे, बड़े आनंद से हम कह पाएंगे, सचमुच में मैंने अपने जीवन में इन 40 दिनों में क्रिस्त की ज्योति को महसूस किया है, प्रभु को करीब से महसूस किया है और मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु के इस वाणी पर ध्यान दें। प्रभु ने अपने शब्दों में हर किसी को जीवन देना चाहा और हर कोई प्रभु के वचनों को सुनकर जीवन पा गया। हम भी प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु ने भी हमको वही बोली बोलना सिखाया है, और प्रभु की बोली है प्यार की बोली। और जब हम प्यार से चीज़ों को करते हैं सब कुछ प्यारा बन जाता है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें कृपा दे कि इन दिनों में हम अपने जीवन में जो भी परित्याग या त्याग तपस्या कर रहे हैं उसका उचित फल हम पा सकें, और जो भी हम कर रहे हैं वो दिल से करें, ना कि केवल दिखावे के लिए। तब कहीं जाकर हमारी जो ये 40 काल की तपस्या है सफल होगी और हम ईश्वर की आशीष के भागी बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन।